नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डेक्सोना या फिर डेक्सामेथासोन इस दवाई के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। डेक्सोना इस गोली के अंदर डेक्सामेथासोन नाम की दवा होती है। दरअसल डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है। ये स्टेरॉइड शरीर में होने वाले इंफ्लेमेटरी एक्शंस को, एलर्जिक रिएक्शंस को सबसाइड करता है। डेक्सामेथासोन टिपिकली कैंसर के लिए भी, कैंसर से रिलेटेड पेन को सबसाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में एलर्जी की वजह से, सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है। इस केमिकल सब्सटेंस की एक्शन को कम करते ही शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स घटते जाता है। डेक्सामेथासोन इस ही केमिकल सब्सटेंस को सबसाइड करता है। डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ऑटोइम्यून कंडीशंस, एलर्जिक कंडीशंस और कैंसर रिलेटेड पेन को भी काफी अच्छी तरह से सबसाइड कर देता है। डेक्सामेथासोन को खाना खाने के बाद कंज्यूम किया जाए। अगर हो सके तो इस दवा को दूध के साथ कंज्यूम किया जाए। अगर आपके डॉक्टर इसे कुछ एक्सटेंडेड पीरियड तक लेने का सुझाव देते हैं तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इस दवा को कंज्यूम करें। डेक्सामेथासोन मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम्स में काफी रेडिली अवेलेबल है। डेक्सोना, डेक्सा, मेथडेक्सा, ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम्स से ये दवा मार्केट में काफी रेडिली अवेलेबल है। अगर आपके सिम्टम्स कम हो गए हो और फिर भी आपके डॉक्टर ने इस दवा को कंटिन्यू करने का सुझाव दिया गया हो तो भी अपने डॉक्टर के कहने के अनुसार इस दवा को एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करें। डेक्सामेथासोन या कोई भी स्टेरॉयड सेल्फ मेडिकेट ना करें। अब यूजुअली स्टेरॉयड्स को धीरे धीरे करके, टेपर ऑफ करके बंद किया जाता है। डेक्सामेथासोन से रिलेटेड सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वेट गेन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यूजुअली ये सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं और अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हो तो अपने सिम्टम्स के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शंस को सबसाइड करने के लिए ये हमारी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि जब आपकी डेक्सामेथासोन का कोर्स चालू हो तब इन्फेक्शन काफी आसानी से लग जाए। अगर आपको डेक्सामेथासोन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो डेक्सामेथासोन कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर बात करें। अगर आपको किडनी या लिवर की कोई बड़ी बीमारी हो तो डेक्सामेथासोन ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से अपनी बीमारियों के बारे में जरूर बात करें। डेक्सामेथासोन कुछ और दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कुछ और दवाइयों की एक्शन को ये हिंडर कर सकता है। इसीलिए ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से अपने रेगुलर मेडिकेशन के बारे में जरूर बात करें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।